निषाद पार्टी ने आरक्षण की मांग को लेकर नगर निगम में किया प्रदर्शन और सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जो धोखा देगा वह धोखा खाएगा, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको बता दें कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल मछुआरा समुदाय के अगुआ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के आह्वान पर निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता गोरखपुर के नगर निगम में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनय रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से निषाद पार्टी ने सौंपा। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2015 में निषाद आरक्षण को लेकर गोरखपुर के कमेरी कार्यालय पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार आई तो निषादों को लड़ाई सदन में उठाते हुए आरक्षण दिलाने का काम भाजपा सरकार करेगी। आज प्रदेश और केंद्र दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है, मगर आरक्षण का वादा सिर्फ वादा बनकर रह गया। अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपने वादे को पूरा करते हुए आरक्षण का लाभ मछुआरा समुदाय को दे देना चाहिए।